वेलकम बैक ऑन इग्नाइटेड ड्रीम। नया दिन, नया वीडियो और एक नई शुरुआत जो डेफिनेटली आपके सपनों को साकार करेगी। द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत, अ वेरी पावरफुल बुक जो आपको सिखाती है हाउ टू क्रिएट वेल्थ एंड हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया हुआ था चूजिंग टू बी योरसेल्फ। अपने आप को रिस्पेक्ट करो, ऑथेंटिक बनो और फिर सफलता डेफिनेटली आपके कदम चूमेगी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो आई बटन पर क्लिक करके इन सारे वीडियोस को देखो। और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एल्मेनिक ऑफ नवल रविकांत के ऊपर वीडियो सीरीज़ जो ऑलरेडी इग्नाइटेड ड्रीम के चैनल पर चल रही है, सारे वीडियोस को देखो। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आज की वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज चैप्टर 28, चूजिंग टू केयर फॉर योरसेल्फ। नवल कहते हैं, माय नंबर वन प्रायोरिटी इन लाइफ अबव माय हैप्पीनेस, अबव माय फैमिली, अबव माय वर्क इज माय ओन हेल्थ। Because health is really very important. It starts with my physical health. Second, it's my mental health. Third, it's my spiritual health. तीन health होते हैं नवल जिसके बारे में बता रहे हैं, physical health, mental health and spiritual health. Then it's my family's health. Then it's my family's well-being. After that, I can go out and do whatever I need to do with the rest of the world. अपने health के बारे में, जिसमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ, और अपनी फैमिली के हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनके वेलबींग को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और फिर उसके बाद वो वर्ल्ड के बारे में सोच रहे हैं। नवल से क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट अबाउट द मॉडर्न वर्ल्ड स्टीयर्स अस अवे फ्रॉम द वे ह्यूमंस आर मीन टू लिव। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आधुनिक जो संसार है, ये हमें जैसा जीना चाहिए, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग, उससे दूर क्यों लेकर जा रहा है। नवल कहते हैं, देयर आर मेनी मेनी थिंग्स, there are a number on the physical side. सबसे पहले physical side पे focus करते हैं, we have diets, we are not evolved to eat. हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में हमें पता ही नहीं है, हम इतने ज़्यादा evolve नहीं हो पाए हैं। A correct diet should probably look closer to a paleo diet. नवल paleo diet के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हमारी जो diet है वो paleo diet के लगभग आसपास होनी चाहिए। So what is paleo diet? पैलियो डाइट इज रिलेटेड टू द स्टोन एज डाइट। जिस तरीके से गुफा में रहने वाले इंसान खाना खाते थे, अगर आज के टाइम पे भी हम लोग वैसा ही खाना खाने लगे तो डेफिनेटली हमारा एक अच्छा हेल्थ मेंटेन हो सकता है, जिसमें ईटिंग वेजिटेबल्स है विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मीट एंड बेरीज। हम वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, बेरीज को ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, और जो नॉन वेज पसंद करते हैं वो स्मॉल अमाउंट ऑफ मीट ले सकते हैं, एंड दैट इज ऑल रिलेटेड टू स्टोन एज। फिर कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज वी आर प्रोबेबली मीन्ट टू प्ले इंस्टेड ऑफ रनिंग ऑन ए ट्रेडमिल। हमारी बॉडी इस तरीके से बनी हुई है कि हमें प्ले पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, खेल कूद पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रादर देन जिम में जाकर और वहाँ ट्रेडमिल पे हम कूदें। फिर कहते हैं, वी आर प्रोबेबली इवॉल्व टू यूज ऑल ऑफ आवर फाइव सेंसेस इक्वली एज अपोज टू फेवरिंग द विजुअल कॉर्टेक्स। फाइव सेंसेस हैं, उसे इक्वली इस्तेमाल करना है। जनरली हम क्या इस्तेमाल करते हैं, केवल और केवल विजुअल कॉर्टेक्स को, स्क्रीन पे टाइम देते हैं, चीज़ों को देखते हैं। अगर अपने मन को बहलाना है तो कहीं घूमने के लिए निकल गए, मूवीज़ देखने के लिए निकल गए, लेकिन इससे हमारे फाइव सेंसेस इक्वली इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए फोकस अगर हेल्थ पे करना है, सो यू हैव टू यूटिलाइज इक्वली फाइव सेंसेस। नवल कहते हैं, वी आर नॉट मीन टू वॉक इन शूज़। हमारा मकसद केवल शूज़ में वॉक करना नहीं है, इस तरीके से हमारी बॉडी नहीं बनी हुई है। और मैं फिर से अपने व्यूअर को आगाह करना चाहता हूँ, दिस इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ नवल, तो आप अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करें। ये कहते हैं कि शूज़ पहनकर हमें कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे फुट की प्रॉब्लम होती है और बैक की प्रॉब्लम होती है। वी आर नॉट मीन टू हैव क्लोथ्स कीप अस वार्म ऑल ऑफ द टाइम। हमारी बॉडी इस तरीके से नहीं बनी है कि हम हमेशा ही ऐसे कपड़े बने पहने जिससे हमारी बॉडी हमेशा गर्म रहे। इस तरीके से बॉडी बनी हुई है कि जिससे हमें कोल्ड का भी कुछ एक्सपोजर मिले। इट किक स्टार्ट्स योर इम्यून सिस्टम, इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग बना रहता है। सी इन नटशेल नवल यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारी बॉडी स्टोन एज में थी,
गुफाओं के टाइम में जैसे इंसान रहा करते थे, वहाँ पे मॉडर्निज्म नहीं था इतना ज़्यादा और इसीलिए वो हेल्दी थे। अगर उसी तरीके से हम अपनी लाइफस्टाइल ला पाएँ या उसके करीब ला सकें तो डेफिनेटली एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं। हमारे लिए इन सारे जो संसाधन हैं, मॉडर्न जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो हमारी बॉडी को सिक बनाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना देते हैं। इसीलिए आपको हीट का भी सामना करना चाहिए और कोल्ड में भी अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए। मॉडर्न रिसोर्सेज का इस्तेमाल उतना ही फायदेमंद है जब तक वो आपके बॉडी को हार्म नहीं कर रहे हैं। अगर वो आपके बॉडी को हार्म करने लगे, आपके हेल्थ को नुकसान करने लगे, तो ऐसे मॉडर्निज्म को आपको ड्रॉप करने की कोशिश करनी चाहिए। नवल कहते हैं, वी आर नॉट इवॉल्व टू लिव इन ए परफेक्टली क्लीन एनवायरनमेंट। हम लोग इस तरीके से इवॉल्व नहीं है कि क्लीन एनवायरनमेंट में ही अपने आप को रखें। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जो बच्चे बहुत ही सेफ तरीके से डेवलप किए जाते हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू। अगर उनको कहीं पे भी नॉन इम्यून सिस्टम में और नॉन क्लीन एनवायरनमेंट में लेकर जाया जाए तो उनका इम्यूनिटी उस तरीके से सस्टेन नहीं कर पाता है और उनको कई सारे डिजीज़ अटैक कर देते हैं। इट लीड्स टू एलर्जीज एंड अनट्रेंड इम्यून सिस्टम। आप समझ रहे हैं ना, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का कैसा है कि हर एक सिचुएशन के लिए अपने आप को अडॉप्ट कर ले। तो इसीलिए डिफरेंट सिचुएशन में हमें अपने आप को रखना चाहिए और हमारे बॉडी की डिज़ाइनिंग भी ऐसी है। एंड इट्स नॉट अबाउट बॉडी, इट्स अबाउट माइंड ऑल्सो। अलग अलग सिचुएशन में अगर हम अपने आप को रखते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा सर्वाइव करा पाएंगे, हमारा जो सर्वाइवल फैक्टर है वो डेफिनेटली बढ़ सकेगा। इसीलिए कोशिश करो कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाओ। नवल कहते हैं, वी आर इवॉल्व टू लिव इन अ मच स्मॉलर ट्राइब्स एंड टू हैव मोर फैमिली अराउंड एस। जिस तरीके से स्टोन एज में जो इंसान रहते थे वो अपने आप को जानवरों से बचाने के लिए इर्द गिर्द कई सारे लोग रहते थे, ट्राइब्स रहते थे, फैमिली रहती थी। इससे क्या होता था, उनका जो हेल्थ इशू और जो मेंटल इशू था वो कभी भी ज़्यादा क्रिएट नहीं होता था। बट आज के टाइम पे मॉडर्न एज में न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पे एक इंसान रह रहा है, फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, वहाँ पे मेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ऑल द हेल्थ इश्यूज इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द मेंटल इश्यूज। सो नवल कहते हैं, आई पार्शली ग्रू अप इन इंडिया एंड इन इंडिया एवरीबडी इज इन योर बिजनेस। हर एक व्यक्ति आपके बिजनेस में इंगेज है। देर इज़ ए कजिन, एन आंट, एन अंकल हु इज इन योर फेस विच मेक्स इट हार्ड टू बी डिप्रेस्ड। सारे लोग आपके सराउंडिंग में रहेंगे जो आपको डिप्रेस होने नहीं देंगे, किसी न किसी तरीके से आपको इंगेज करके रखेंगे, तो न ही वहाँ पर डिप्रेशन का सवाल है और न ही वहाँ पर हेल्थ इशू का सवाल है। फिर नवल इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड यू हैव नो प्राइवेसी सो यू कांट बी फ्री। क्योंकि फैमिली आपके चारों तरफ हमेशा ही रहेगी तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन नहीं हो पाती, आप फ्री नहीं रह पाते हो। तो फिर कहते हैं, देयर आर ट्रेड ऑफ्स। तो अब आपको क्या ऑप्शन है, बैलेंस करना, जिससे आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहे, आप जो काम अचीव करना चाहते हैं, फुलफिल करना चाहते हैं, उसको कर भी पाएं और आप मेंटल इश्यूज और हेल्थ इश्यूज से अपने आप को बचा के रख सकें। सी, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दैट इंपॉर्टेंस विल ओनली बी अचीव्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग, राइट। फैमिली इंपॉर्टेंट है, आपकी प्राइवेसी भी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करना सीखो। नवल कहते हैं, वी आर नॉट मीन टू चेक आवर फोन एवरी 5 मिनट। हम लोग इस तरीके से नहीं बने हुए हैं कि हर एक 5 मिनट में अपने फोन को चेक करें। द कॉन्स्टेंट मूड स्विंग्स ऑफ गेटिंग अ लाइक देन एन एंग्री कमेंट मेक्स अस इनटू एंग्जियस क्रिएचर्स। कैन यू इमेजिन कि आपका फोन आपको कंट्रोल करके रख रहा है, आप पूरी तरीके से कंट्रोल्ड हो इस गैजेट से। आप जब एक पोस्ट करते हो तो एक लाइक के लिए परेशान रहते हो, कोई अगर एंग्री कमेंट आ जाता है वो आपको एंग्शियस बना देता है। कैन यू इमेजिन कि किस तरीके से आप इस फोन के जंजाल में फंस चुके हो, इस सोशल मीडिया के जंजाल में फंस चुके हो, राइट। आर्ट ऑफ लिविंग आपको सीखना पड़ेगा जिससे एक हेल्दी आप लाइफ जी सको, फिजिकली हेल्दी, मेंटली हेल्दी और स्पिरिचुअली हेल्दी आप रह सको। वी इवॉल्व फॉर स्कार्सिटी बट लिव इन अबंडेंस। हम एक्चुअली में इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं जहाँ पे स्कार्सिटी थी, कमी थी, और उस कमियों में अपने आप को अडाप्ट करना हमने सीखा। लेकिन आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ द मॉडर्न एज और टेक्नोलॉजी ऐसा है कि हम अबंडेंस में जी रहे हैं, आपके हाथों में हर एक चीज़ जस्ट चुटकियों में अवेलेबल है।
देयर इज ए कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू से नो व्हेन योर जीन्स ऑलवेज वॉन्ट टू से यस. यस टू सुगर, यस टू स्टेइंग इन दिस रिलेशनशिप, यस टू एल्कोहल, यस टू ड्रग्स, यस यस. आवर बॉडीज डोंट नो हाउ टू से नो. हर एक चीज जो आपको आसानी से मिल रही है, उस हर एक चीज को यस कहना आपकी आदत बन चुकी है. आप कहना तो चाहते हो नो, लेकिन कह नहीं पा रहे हो. इतनी वीक पर्सनैलिटी बन चुकी है आपकी. आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हो, उसमें नो नहीं कह पा रहे हो. आपको शुगर खाना पसंद है, आप जानते हो कि शुगर मेरी हेल्थ को डिटेरिएट कर सकता है, खराब कर सकता है, लेकिन नो नहीं कह पा रहे हो. ऐसे कई सारी चीज़ें हैं. आप स्क्रीन पे टाइम नहीं देना चाहते हो, लेकिन फिर भी स्क्रीन से ऐसे उलझे हुए हो कि उसको यस बोल रहे हो और अपने हेल्थ को नो बोल रहे हो. राइट? सो नो बोलना सीखो. जो चीज़ आपको हार्म कर रही है, आपके हेल्थ को, आपके माइंडसेट को, उसको नो कहना सीखना पड़ेगा. और इसके लिए ये पॉसिबिलिटी तभी क्रिएट हो सकती है जब आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दोगे. नवल कहते हैं, व्हेन एवरीवन इज सिक वी नो लॉन्गर कंसीडर इट अ डिजीज. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. जब सारे लोग ही बीमार हैं, तो आप उस बीमारी को बीमारी नहीं बोलोगे, उसको डिजीज नहीं बोलोगे. जब सारे लोग ही स्क्रीन पे टाइम दे रहे हैं, तो आपको लगेगा ये स्क्रीन पे टाइम देना, मोबाइल देखना एक ट्रेंड बन चुका है, और उसी ट्रेंड में आप भी अपने आप को रखोगे. अब बात करते हैं डाइट की. आउटसाइड ऑफ मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, देयर इज नॉट मच सेटल्ड साइंस. मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री को छोड़कर जितने भी सारे साइंस हैं, वो पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हो पाए, सेटल नहीं हो पाए. और जिसमें सबसे ज़्यादा जो आर्गुमेंट होता है, वो डाइट को लेकर होता है. नवल अपने आप को कहते हैं, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. और फिर कहते हैं, मोस्ट फिट एंड हेल्दी पीपल फोकस मच मोर ऑन व्हाट दे ईट देन हाउ मच. जो हेल्दी लोग हैं, जो अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, व्हाट टू ईट रादर देन हाउ मच ईट. क्या खाएं रादर देन कितना खाएं. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी के लिए क्या खाना उचित है. कौन सा ऐसा आइटम है जो आपकी बॉडी को हेल्दी बना सकता है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मुझे ड्रॉप करना चाहिए. क्वालिटी कंट्रोल इज ईजियर देन क्वांटिटी कंट्रोल. थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि क्वालिटी को कंट्रोल करना ईजियर है रादर देन क्वांटिटी. क्योंकि जब भी खाना आपके पास आएगा, बॉडी इस तरीके से पैटर्नड है, इस तरीके से डिजाइंड है कि आप क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. नवल कहते हैं, वर्ड्स सिंपलेस्ट डाइट इज द मोर प्रोसेस्ड द फूड द लेस वन शुड कंज्यूम. प्रोसेस्ड फूड को साइड में कर दो, नेचुरल फूड को कंज्यूम करने की कोशिश करो, आप अपनी बॉडी को हेल्दी बना लोगे. और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को पैलियो डाइट में लेकर जाओगे, स्टोन एज के डाइट में लेकर जाओगे, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस्ड फूड नहीं होते थे. और अगर प्रोसेस्ड फूड की बात मैं करूं, तो जितने भी जंक फूड हैं, सारे प्रोसेस्ड फूड हैं. जितने भी सारे आपको बाजार में मिल रहे हैं खाने खाने के लिए, वो सारे प्रोसेस्ड फूड हैं. तो इसीलिए वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना सीखो, जो रॉ वेजिटेबल्स हैं. राइट? वो सारे चीज़ें आपकी बॉडी को हेल्दी बनाएंगी. फिर बात करते हैं एक्सरसाइज पे. द हार्डर द वर्कआउट द ईजियर द डे. आप अगर वर्कआउट करते हैं, और स्पेशली हार्ड वर्कआउट करते हैं, तो आपका जो पूरा दिन है वो इजी बना रहेगा. इसका मतलब बस इतना ही है कि अगर आप अपने दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वर्कआउट से शुरू करो, योगा और एक्सरसाइज से शुरू करो, आप अपने दिन को बेहतरीन बना पाओगे. व्हाट हैबिट वुड यू से मोस्ट पॉजिटिवली इम्पैक्ट्स योर लाइफ. नवल से क्वेश्चन किया जाता है कि वो कौन सी हैबिट है जो आपके लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही है. नवल कहते हैं, द डेली मॉर्निंग वर्कआउट एक सिंगल हैबिट है जो उनकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर रहा है, और वो है डेली मॉर्निंग वर्कआउट. दैट हैज बीन अ कंप्लीट गेम चेंजर. इट्स मेड मी फील हेल्दियर यंगर. डेली वर्कआउट करते हैं जो उनके लिए कंप्लीट गेम चेंजर है. वो उनको हेल्दी बना रहा है और हैप्पी बना रहा है, यंगर बना रहा है. आई डोंट हैव टाइम इज जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग इट्स नॉट ए प्रायोरिटी. अब इस बात को लेकर नवल कहना क्या चाहते हैं, जब भी आप किसी से कहोगे कि योगा एक्सरसाइज आप डेफिनेटली करो, जिससे आपका जो दिन है वो बेहतरीन जाएगा, डेली मॉर्निंग वॉक करो, तो लोग क्या कहते हैं, आई डोंट हैव टाइम. ये एक फुलिश स्टेटमेंट है, अपने आप को मूर्ख बनाने का स्टेटमेंट है. अगर आप ऐसा कहते हो, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में हेल्थ नाम की कोई भी चीज़ प्रायोरिटी में नहीं है.
आई डोंट हैव टाइम। किसी न किसी चीज को आप टाइम तो दोगे ही, लेकिन जिस चीज को आप टाइम दे रहे हो शायद आपके हेल्थ को वो बना नहीं रहा है। इसीलिए हेल्थ को पहली प्रायोरिटी दो। अपने दिन की शुरुआत योगा, एक्सरसाइज और डेली मॉर्निंग वॉक से करो। व्हाट यू रियली हैव टू डू इज से वेदर इट इज़ प्रायोरिटी और नॉट। जब आप ये कहते हो कि योगा मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो अब आप ये क्वेश्चन करना शुरू करो कि योगा इज़ नॉट माई प्रायोरिटी, हेल्थ इज़ नॉट माई प्रायोरिटी। जब आप ऐसा कहना शुरू कर दोगे तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि हेल्थ इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, बिगेस्ट प्रायोरिटी, राइट? तो आप अपने लाइफ को, अपने डे को शुरुआत करोगे योगा और एक्सरसाइज से। इफ़ समथिंग इज योर नंबर वन प्रायोरिटी देन यू विल डू इट, दैट्स जस्ट द वे लाइफ वर्क्स। अगर आपका हेल्थ आपकी पहली प्रायोरिटी बन जाएगी तो आप कभी भी ऐसा एक्सक्यूज नहीं दोगे कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं ऑफिस में जाता हूँ इसलिए मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, या मुझे ये काम है इसलिए मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। अगर हेल्थ आपकी पहली प्रायोरिटी बन जाएगी तो आप सब कुछ छोड़ दोगे, हेल्थ पे अपना फोकस करोगे। नवल कहते हैं, लाइक एवरीथिंग इन लाइफ, इफ यू आर विलिंग टू मेक द शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस यू विल हैव द लॉन्ग टर्म बेनिफिट। लाइफ का एक रूल है, अगर आप शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस करते हो तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। अगर अभी आप वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी बन जाएगी। आप हमेशा ऐसा सोचते हो ना कि मैं 30 मिनट एक्स्ट्रा सो लूं, 30 मिनट मैं मोबाइल ज़्यादा देख लूं, 30 मिनट मैं कोई और काम कर लूं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करूं क्योंकि वो आपके लिए हार्ड है और उसका इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है इसीलिए आप उसको करते नहीं हो, और इजी च्वाइसेस बना लेते हो कि चलो इसको ड्रॉप कर देता हूँ वर्कआउट को, और जो इजी च्वाइसेस हैं स्क्रीन पे टाइम देना, सोना और अच्छे अच्छे खाना, जिससे आपके लिए लॉन्ग टर्म में डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म में बेनिफिट चाहते हो तो शॉर्ट टर्म के च्वाइसेस को हार्ड बनाओ। नवल अपने ट्रेनर का भी उदाहरण देते हैं, उनका ट्रेनर ऑलवेज कहता है इजी च्वाइसेस हार्ड लाइफ, हार्ड च्वाइसेस इजी लाइफ, एक सिंपल फार्मूला है। और इससे पहले की वीडियो में भी मैंने ये बातें कर रखी हुई हैं, शॉर्ट टर्म में अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है और लॉन्ग टर्म में डिसएडवांटेज मिल रहा है तो ऐसे डिसीजंस को लेना बंद करो। शॉर्ट टर्म में अगर आपको हार्ड च्वाइसेस लेने पड़ रहे हैं तो उसको ले लो क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देंगे। अल्टीमेटली इफ यू मेक द इजी च्वाइसेस राइट नाउ योर ओवरऑल लाइफ विल बी लॉट हार्डर। अगर आप अभी इजी च्वाइसेस को एक्सेप्ट करोगे तो आपके लिए जो लाइफ होगी ना लॉन्ग टर्म में वो हार्डर हो जाएगी। अभी पिज्ज़ा खाना पसंद करोगे अनहेल्दी लाइफ बनेगी, एक्सरसाइज को हटाओगे ड्रॉप करोगे तो आपकी लाइफ डेफिनेटली अनहेल्दी बनेगी। तो हार्ड च्वाइसेस को सिलेक्ट करो और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट लो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको हेल्दी लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करेगा। एक अच्छी डाइट होनी चाहिए, एक्सरसाइज और योगा आपके लाइफ में डेफिनेटली होना चाहिए जो आपको मेंटली, स्पिरिचुअली और फिजिकली हेल्दी बनाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करके उनको भी हेल्दी बनने के लिए इंस्पायर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पोर्शन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।